जी बेटा, बेजाद आर यू देयर? यस सर। बेटा आपको पता है कि ये काम कैसे करता है? कुछ थोड़ा सा बताइए आज हमें। यस सर। सर जो रिसीवर वाला बाकी जो पोर्शन है वो तो जीपीएस की तरह ही काम करता है, लेकिन डीजीपीएस के अंदर डिफरेंट जो है वो ये है कि जो डीजीपीएस रिसीवर है ये बेस स्टेशन से भी कनेक्शन रखता है, तो एक्यूरेसी को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यानी कि जीपीएस की एक्यूरेसी 15 मीटर तक होती है और इसकी एक्यूरेसी 3 सेंटीमीटर तक चली जाती है। लेकिन ये एक्यूरेसी कैसे होती है, कुछ आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। जी बोलें। ये सिर्फ कुछ थोड़ा सा आइडिया ही है कि डीजीपीएस रिसीवर क्योंकि बेस स्टेशन से कनेक्टेड होता है तो ये हमें ज्यादा बेहतर ये दे देता है कि डीजीपीएस से डिस्टेंस इतना है और सैटेलाइट से डिस्टेंस इतना है। तो क्योंकि डीजीपीएस जो बेस स्टेशन होते हैं इनकी इनकी लोकेशन फिक्स होती है तो एक्यूरेसी को वो इसलिए बढ़ा देते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइव लेने का मकसद ये होता है कि आपके किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को समझने से पहले आपके क्या कंसेप्ट हैं, और जब आपको वो कंसेप्ट पता चल जाता है तब आपको एक्चुअल जो फंक्शन या फंक्शनैलिटी है उसके ओवरऑल कंसेप्ट की आपको पता चल जाती है। ठीक है बेटा, यस सर। देन यू कैन कंप्रीहेंड द कंसेप्ट ओवर हियर। दिस इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग माय डियर। क्या इजाजत है बड़े भाई? ऑफ कोर्स सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर ये जो सैटेलाइट आपको नजर आ रही है स्पेस में, ये जो चार सैटेलाइट्स हैं, ये हैं जीपीएस के सैटेलाइट्स माय डियर। ठीक है बेटा, यस सर। इन जीपीएस के सैटेलाइट्स ने क्या करना होता है, सिग्नल्स भेजने होते हैं रिसीवर को, और बेस स्टेशन जिसको हम डिफरेंशियल जीपीएस स्टेशन भी कहते हैं या साइट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इन सिग्नल्स के अंदर क्या होगा बताएं? सर जो सैटेलाइट की लोकेशन और टाइम। और सॉरी सर। क्या होगा? सर सैटेलाइट की अपनी लोकेशन और टाइम होगा। ऑर्बिटल पोजीशन यस सर। होगी, ऑर्बिटल क्लॉक पोजीशन। टाइम होगा, और क्या होगा? चलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ साथ ये बताते हैं कि भाई ये जो जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं ये आपको बताती हैं कि भाई आप कुर्राए अर्ज के ऊपर जिस मुकाम पर मौजूद हैं वहां पर जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है, यानी कोऑर्डिनेट्स आपको सेंड कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माय डियर? यस सर।